अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ठहरो और इस वीडियो को एंड तक देख के जाओ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आप इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखें और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। जो भी मेरे चाहने वाले हैं वो इस वीडियो को लाइक लाजमी करेंगे और इन ट्रिक्स को सीख कर आप बहुत ज्यादा इंजॉय करने वाले हैं। तो हमेशा वीडियो उन लोगों के लिए होती है जिनको ट्रिक्स के बारे में नहीं पता होता। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और कौन सी ट्रिक सबसे ज्यादा आपको पसंद आई है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों अक्सर औकात इस तरह होता है कि आप व्हाट्सएप यूज कर रहे होते हैं, आप किसी से चैट कर रहे होते हैं, तो अगर आपके पास दूसरा पर्सन का मैसेज आ जाता है तो अगर आप उसको इग्नोर करेंगे और उसको शो होगा आप ऑनलाइन हैं लेकिन आप उसको फिर भी रिप्लाई नहीं दे रहे हैं तो वो आपसे नाराज हो सकता है। लेकिन इसका सलूशन भी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, बहुत ही कमाल का इसका सलूशन है। आप किसी से चैट कर रहे हैं और आपका लास्ट सीन कल परसों का शो हो जाएगा और आप आज तक मतलब आप महीना भी किसी से चैट करते रहे वो लास्ट सीन आपका एक महीने पहले का ही दिखाता रहेगा। ये कैसे करना है आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है ट्रैक चैट। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इसका इस तरह का लोगो मैं आपको दिखा देता हूं। तो मैं कर लेता हूं इसको ओपन। ओपन करने के बाद आपको सिंपल क्या करना होगा, एप्लीकेशन पे जाना है, यहाँ पे एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे जाएंगे आपके पास जो भी मैसेज करते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे आपको मैसेजेस आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, मैसेंजर पे आता है, डिस्कॉर्ड, आप उसका लास्ट इंस्टाग्राम का भी क्लोज कर सकते हैं और आप व्हाट्सएप, लेकिन मेरे केस में हम व्हाट्सएप के बारे में सीख रहे हैं तो हम व्हाट्सएप को ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद अब आप चेक कीजिएगा, मैं जैसे यहाँ से अपने दूसरे मोबाइल से मैसेज करूंगा तो इस मोबाइल में एक पॉपअप आएगा। पॉपअप क्या होता है, जैसे आप मैसेंजर पे किसी से बात करते हैं तो एक पॉपअप आता है, उसी तरह यहाँ पे एक पॉपअप आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक मैसेज किया है, अभी चेक कीजिएगा यहाँ पे एक मुझे मैसेज भी आया और ये देख सकते हैं नीचे एक पॉपअप बना आ गया। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने ये मैसेज पढ़ लिया है, यहाँ पे पड़ा नजर आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं डबल टिक नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी ब्लू शो नहीं हुआ और मेरा लास्ट सीन, अब अगर मैं इसका लास्ट सीन ऑन करता हूँ तो यहाँ पे मेरा लास्ट सीन अभी का शो कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे और मैं कोई मैसेज करता हूँ, जी करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज भी आ जाएगा। आप यहाँ से इसको मैसेज भी कर पाएंगे। ठीक है, और आपका अभी व्हाट्सएप ओपन भी नहीं हुआ लेकिन आप अपना व्हाट्सएप से इससे मैसेज कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी कमाल की ट्रिक जो कि आप अपना व्हाट्सएप ऑन किए बगैर आप किसी से भी चैट कर सकते हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा मजा देने वाली है। यहाँ से आप इसको ब्लॉक और अनब्लॉक भी कर सकते हैं। तो आपको ये चीजें काफी ज्यादा पसंद आएंगी ये वाली ट्रिक, तो आपने जल्दी से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है अपने जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसके बाद दूसरी ट्रिक बहुत ही कमाल की है, टॉकिंग स्माइली। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी बहुत ही कमाल का है। जान दोस्तों आप किसी को स्माइली भेजेंगे उसकी आवाज आएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे न्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे इस पे बहुत ज्यादा इमोजीज आ जाएंगे। अभी इमोजीज का काम चेक कीजिएगा यहाँ पर, अगर आपका इंटरनेट की स्पीड तेज है तो ये देख सकते हैं ये तेज तेज, और ये देखें आर यू क्रेजी, ये चेक कीजिएगा जैसे यहाँ पे ये देख सकते हैं इस तरह के बहुत ही कमाल की इस तरह के फनी फनी इमोजी आपको यहाँ पे मिलेंगे जो कि आप इसको यूज कर सकते हैं अपने किसी को फ्रेंड को भेजने से। तो आप कैसे इसको भेजना, आपने इस पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास व्हाट्सएप, वी चैट, आपके पास सारे के सारी ऑप्शन आ जाती है। आपने व्हाट्सएप के बटन पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप चेक कीजिएगा यहाँ पे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं सेंड कर देता हूँ। जैसे मैं सेंड करूंगा तो ये देख सकते हैं यहाँ पे सेंड हो चुका है, मेरे दूसरे मोबाइल में आ चुका है। मैं दूसरे मोबाइल में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं प्ले करूंगा इस तरह का यहाँ पे आपको इमोजी देखने को मिलेगा जो कि काफी ज्यादा फनी लगता है। आप जाए डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके ये दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। और तीसरी ट्रिक आपको बताने वाला, थ्री डॉट पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर लें, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद अकाउंट के बटन पे क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास मिल जाती है रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो, इस पे क्लिक करें, यहाँ से आप अपनी अकाउंट इन्फो ले सकते हैं जो कि आपकी चैट डिलीट हो गई है या फिर आपने पिछले कुछ महीने से जिससे चैट किया है और वो चैट डिलीट हो गया, तो आप उसकी रिपोर्ट ले सकते हैं। वो सारे के सारे नंबर आपको इस रिपोर्ट में आपके पास यहाँ पे शो करेगा, रिक्वेस्ट रिपोर्ट आपने क्लिक कर दें, तीन चार दिन के अंदर आपको ये रिपोर्ट बन के आ जाएगी। आपने सिंपल डाउनलोड, ये देख सकते हैं मैंने डाउनलोड के बटन पे क्लिक किया और ये अभी थोड़ी देर में डाउनलोड होके मुझे मिल जाएगी। तो एक्सपोर्ट रिपोर्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, आप इसको एक्सपोर्ट कर लूंगा अपने
आप किसी को शेयर भी कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अपने दूसरे नंबर पे इसको मैं शेयर कर दिया, तो ये रिपोर्ट मेरे दूसरे नंबर पे शेयर हो चुकी है। तो मैं अपने दूसरे नंबर से इस रिपोर्ट को आसानी से देख सकता हूँ। ये देख सकते हैं मेरे दूसरे नंबर पे ये वाली रिपोर्ट आ चुकी है, आप इसको कंप्यूटर पे भी देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।